बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में वेजिटेबल सैंडविच बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 3 अदद अंडे बॉईल कर लिए हैं, 1 कप कैबेज ली है, 1 कप मायोनीज है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 अदद शिमला मिर्च है, 2 अदद खीरे हैं, 1 अदद गाजर है और 2 अदद टमाटर है। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब अंडों को भी मैं बारीक कर लेती हूँ। अब बोल में मायोनीज ऐड कर लेंगे। अब इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर लिए। अब इसमें वेजिटेबल ऐड कर लेते हैं। इसमें सारे वेजिटेबल ऐड कर लेते हैं। इसमें सारे वेजिटेबल्स और अंडे मैंने मिक्स डाल दिए हैं, शामिल कर लिए हैं। अब इसको मिक्स कर देते हैं। वेजिटेबल को मैंने मिक्स कर लिया है। अब दूसरे बोल में मैंने 3 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिए है और 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज लिए है और 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। इनको मैंने मिक्स कर लिया है। सॉस लगा लेंगे। स्प्रेड कर लेंगे। मैंने सॉस लगा ली है। अब इस पे वेजिटेबल स्प्रेड कर लेती हूँ। वेजिटेबल मैंने लगा दी। अब इस पे ब्रेड रख लेती हूँ। इसी तरह सारे बना लेते हैं। अब इसको सेंटर से काट लेते हैं। इसको मैंने काट लिए। इस तरह सारे बना लेंगे। अब दूसरा मैंने इस ब्रेड पे मैंने किनारे नहीं काटे। अब इस पे इसी तरह मैंने फैला दिए। अब इसको पैन में सेक लेते हैं। ग्रिल पैन पे मैंने ब्रेड रखी है, दोनों साइड इसके फ्राई कर रही हूँ। अब ये मैंने पैन में इसको रोस्ट कर ली है। अब पैन में मैंने इसको सेक लिया है। अब इसको ग्रिल को थोड़ा सा ऑयली कर लेते हैं। इसको मैंने ग्रिल पे रख दी है। अब इसको पूरा बंद नहीं करेंगे वरना ब्रेड से मटेरियल सारा निकल जाएगा। ब्रेड ग्रिल हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। सैंडविच तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जो नए देखने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।